अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर आज शदीद तरीन गर्मी का दिन है जर्मन में। आज 31 टेम्परेचर है और 32 तक बताया गया है नाफरिश्टन में, यानी कि खबरों में। और मैंने इन्हीं दिनों के लिए अपने कुछ काम घर के रखे होते हैं कि मेरा टास्क होता है कि नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट वीक में जो गर्मी होगी तो उसमें मैं ये काम करूँगी। तो आज देखिएगा मेरे साथ कि मैं क्या क्या काम करती हूँ। मुझे अपनी ये क्विल्ट, समर ब्लैंकेट और ये बेडशीट्स वगैरह ये सब वॉश करने थे। और अपने हस्बैंड और बेटे के जाने के बाद मैंने सुबह ये अर्ली इन द मॉर्निंग ये सब काम शुरू कर दिए। गर्मियों में विंडोज ओपन होती हैं, इसलिए बाहर से कोई ना कोई गाड़ी गुजरने की आवाज़ आ जाती है। एनीवे, आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। और भी अपने वोन सीमर, यानी कि जिसे ड्राइंग रूम कहते हैं जर्मन में, उसे वोन सीमर कहते हैं, उसकी जो श्रंक है बड़ी, रिकॉर्डर जिसे कहते हैं, उसको क्लीन करना है। और अपने आज का मैंने टास्क रखा हुआ था कि मैंने हर सूरत में अपने जो पूरे वीक के मेरे कपड़े हैं वो भी प्रेस करके रखने हैं लाजमी, ताकि नेक्स्ट वॉश तक मेरे ये क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं हमेशा प्रेस करके इन्हें रखती हूँ। और खाना भी साथ साथ बनाना है, सब कुछ करना है, तो इसलिए मैं साथ साथ तेज़ी से सब काम कर रही थी। मैं सुबह के टाइम जब अकेली होती हूँ तो मैं 2-3 काम एक साथ स्टार्ट कर देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ साथ हो जाते हैं। रूम में बहुत अच्छी धूप आती है, इसलिए मैं अपने कबर्ड के डोर ओपन कर देती हूँ ताकि कपड़ों में थोड़ी हवा लगे और अंदर जो एक हीट होती है वो ख़त्म हो जाए। ये मेरी हाफ वाइट कलर की श्रंक है पूरी दीवार पे, और अगर इसको हाथ ना लगे तो इस पर एक बारीक सी ग्रीस सी जम जाती है, वो गर्द की तय। लेकिन पाकिस्तान की तरह बेशक इस यहाँ पे कोई गर्द नहीं होती और ना ही मट्टी उड़ती है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इनको सफाई करनी होती है। इनको लाजमी हमें 1-2 महीने के बाद अच्छी तरह क्लीनिंग, जो डीप क्लीनिंग कहते हैं ना, वो करनी होती है। सारे डेकोरेशन पीस वगैरह ये आप नॉर्मली है कि इनको हर जो वाइफ है घर की, हाउस वाइफ है, वो करती है ये सारे काम, और मुझे भी आज के दिन ही ये सारे काम करने थे। क्लीनिंग के बाद फारिग होके मैंने जल्दी से सबसे पहले ठंडा बना के रखा, क्योंकि इस मौसम में मेरे घर में ड्रिंक बहुत पिया जाता है और मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं फ्रेश ड्रिंक, जिसे लीमू पानी कहते हैं। और बिल्कुल हम कोला वगैरह बिल्कुल नहीं यूज़ करते, जब गेस्ट वगैरह आते हैं फिर तो लाते हैं लाजमी, लेकिन नॉर्मल दिनों में हम खुद जो फ्रेश ड्रिंक होते हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं। और मेरे हस्बैंड को होता है बस दूध दही की लस्सी हो या फिर स्कंजबीन जिसे कहा जाता है, मैं हमेशा यही बनाती हूँ। और इसको जल्दी से बना के मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि उनके आने तक खूब अच्छी तरह ठंडी हो जाए, और उसके बाद मैंने खाने की तैयारी कर ली। ऐसे में जब बहुत सारे ढेर सारे काम आपने करने होते हैं तो जाहिर है हल्का फुल्का सा खाना ही होता है। मेरे जहन में भी फौरन दाल चावल आए, और मसर चावल जो हैं वो हमें पसंद भी बहुत हैं, सबको ही पसंद होंगे मसर चावल। और मैं मसर में जब ये थोड़े से गल जाते हैं इनमें दूध ज़रूर डालती हूँ, ये गर्म भी होते हैं, और अगर आप दूध डालेंगे इनकी तासीर ठंडी हो जाएगी, ये बहुत मज़े के बनते हैं, टेस्टी बनते हैं।
तो जब ये हाफ डन हो जाते हैं तो फिर मैं दूध डाल के इसमें इनको पकाती हूँ, और बटर का या देसी घी का, देसी घी तो नहीं लेकिन बटर ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसका मैं तड़का लगाती हूँ उसमें वाइट राइस के साथ में, और वाइट राइस पर भी मैं दम में बटर लगाती हूँ। मेरे किचन में विंडो बड़ी सी है तो इसलिए किचन में जल्दी धूप आ जाती है, मुझे जब जल्दी खाना रेडी कर लेना होता है ताकि दोबारा हीट ना हो, और फिर जो विंडो में चीज़ें रखी होती हैं वो मैं उठा के साइड पे कर लेती हूँ ताकि धूप से बच जाए। कुछ चीज़ें फ्रेश सब्जियाँ वगैरह रखते हैं। उसके बाद मैंने अपनी ब्यूगल शुरू कर दी आइजन, इसे ये कपड़े प्रेस करने को कहते हैं आइजन, ब्यूगल आइजन करना, और फिर मैंने ब्यूगल आइजन कर लिए। मेरे सारे कपड़े प्रेस हो चुके थे, तकरीबन 1.5 आवर लगा था, तो उसके बाद मैंने इन्हें समेट दिया अलमारियों में, क्योंकि अलमारियों में आप प्रेस करके रखते हैं तो आपकी कबर्ड भी बहुत अच्छी लगती है, नीट एंड क्लीन होती है। और ये मेरी शुरू से आदत है, अब की नहीं है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अपनी अलमारियों में अपने बेटे के हस्बैंड के अपने ये मैं प्रेस करके रखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड के आने तक, बेटे के आने तक मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके थे, और मैंने फिर अपनी नमाज वगैरह से फारिग हो के उसके बाद खाना हम लोगों ने खाया, और यकीन जाने आज तक के ये वाला जो दाल चावल का खाना था ना, इतना मज़ा आया इसके खाने का, साथ में सैलड था और ठंडे ठंडे मशरूब थे जो हमारे सारा दिन चलते रहते हैं। एक बार मैंने ये लीमू पानी बनाया और उसके बाद दोबारा शाम तक फिर से ज़रूरत होती है, मैं यानी कि जिस दिन गर्मी हो जाती है ना, समझ ले मैं बार बार ड्रिंक बनाती हूँ। कपड़े मेरे बहुत अच्छे से सूख चुके थे और मैं नीचे गार्डन में लेने चली गई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह देखें आसमान पे अल्लाह ताला की रहमत छाने लग गई थी, और हमारे यहाँ इतनी जल्दी फुल गर्मी वाला डे होता है तो शाम तक बादल आ जाते हैं, तो मैंने सोचा कि इससे पहले बारिश शुरू हो जाए इन्हें उतार लिया जाए, लेकिन शुक्र है बारिश नहीं हुई थी, बारिश अगले दिन ही जाके हुई थी। आप इमेजिन करें एक दिन जब इतना फुल हॉट होता है तो अगले दिन जब बारिश हो जाती है तो फिर अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए ना हमें हर हाल में इंसान को। रात को सोने से पहले फिर मैंने मैंगो मिल्क शेक बना लिया ठंडा ठंडा, और ये था मेरा आज का व्लॉग। देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।